अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। योगी की सत्ता संभालने से पहले यूपी की कमान उनके ही हाथ में तो थी। आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका मन विधायकी का चुनाव लड़ने का हुआ। करहल से चुनाव लड़े और जीते भी, छोड़ दी आजमगढ़ से सांसदी और अब विधानसभा में योगी के विपक्ष में बैठकर खूब होती है बहसबाजी, क्योंकि योगी ने भी तो विधायकी का ही चुनाव लड़ा था। हालांकि अब जब दोनों विधानसभा सदस्य ही हैं, तो फिर अलग अलग मुद्दों पर दोनों के बीच में बहसबाजी के साथ साथ कभी भी तंज भरे अंदाज में एक दूसरे पर छींटाकशी तो कभी कभी एक दूसरे को लेकर हंसी मजाक भी होता खूब देखा जाता है यूपी विधानसभा में। ये विधानसभा का माहौल है जो 2022 के चुनाव के बाद से बदला है। ऐसा ही कुछ नजारा आज कल भी विधानसभा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र जो चल रहा है, और चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर खूब निशाना साधा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी अखिलेश ने मौजूदा सरकार पर खूब तंज कसे, लेकिन इस दौरान अखिलेश ने कुछ ऐसा भी पूछ लिया जिससे सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अखिलेश ने प्रदेश में जगह जगह सड़क पर सांड आवाजाही में जो रोड़ा बन रहे हैं, उस एक मुद्दे को उठाकर सीधा सत्ता में बैठी योगी सरकार से सवाल पूछ लिया, ऐसा कि सीएम योगी भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, निवेश लाने के लिए कितने देश गए आप लोग? क्या किसी देश में सड़क पर सांड दिखा क्या? वित्त मंत्री बताएं, अमेरिका की सड़कों पर सांड दिखा क्या? अखिलेश ने जैसे ही सदन में खड़े होकर वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा, पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। खुद सीएम योगी भी अखिलेश के सवाल पर खिलखिलाते नजर आए। आप भी देखिए ये वीडियो। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पर सांड दिखाई दी? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? मैं तो पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया खुद ही और मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरेश खन्ना गंभीर अवस्था में ही बैठे रहे। सपा अध्यक्ष ने कहा, कमाल का स्टेट है, बस सांड ही सांड दिख रहे हैं, राजधानी में सांड दिख रहे हैं। बताइए, पीएम की बात पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन सांड की संख्या बढ़ गई। अब सोशल मीडिया पर भी लोग अखिलेश यादव के इस वीडियो को साझा कर मजे ले रहे हैं। सौरभ सिंह भदौरिया नाम के यूजर ने लिखा, अखिलेश यादव स्पेशल, आपके मंत्री इतने देश घुमाए, क्या किसी देश में सांड सड़क पर दिखा? अमेरिका में सांड दिखा था क्या वित्त मंत्री जी, सुरेश खन्ना जी? नोट, खन्ना जी अखिलेश यादव के सवालों से परेशान नजर आए, सीएम योगी ठहाके मार कर हंसने लगे। एक बार फिर देखिए सदन में अखिलेश के सवाल पर ठहाके लगाते सीएम योगी का ये वीडियो। किसी देश में सड़क पर सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? मैं तो पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया खुद ही और मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया। है ना मजेदार? दरअसल ये सांड का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो आज का नहीं है, बल्कि योगी सरकार के आने के बाद से ही ये मुद्दा खूब उठता रहा है। बल्कि अपनी चुनावी रैलियों के दौरान भी अखिलेश ने इस मुद्दे को खूब उठाया था। अखिलेश इस एक मुद्दे को लेकर कई बार प्रदेश की मौजूदा सरकार को कोसते देखे गए हैं।
पिछले साल तो विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब सीतापुर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी के सामने सांड आ गया था। अखिलेश यादव ने जिसका वीडियो ट्वीट किया था, लिखा था, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो, बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। तो कुछ इस तरह से अखिलेश समय समय पर इस मुद्दे को उठाए रहते हैं। और अब जब यूपी में निवेश लाने के लिए अलग अलग मंत्री अलग अलग देशों के दौरे पर गए थे तो इस दौरान कौन से देश में किसको सांड मिला, इसको लेकर ही विधानसभा में बजट सत्र को लेकर अखिलेश सवाल करने लगे। वित्त मंत्री का तो नाम लेकर अखिलेश ने उनसे सांड को लेकर सवाल कर लिया, जिस पर सुरेश खन्ना तो गंभीर रहे लेकिन सीएम योगी जरूर ठहाके मारकर हंसते नजर आए। वैसे अखिलेश यादव और सत्ता में बैठी सरकार के बीच में इस हंसी मजाक वाली तंज भरी नोकझोंक को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।